गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में स्वागत करता हूं। और गाइस आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग आपको ATC सेक्शन में छूट तो मिलेगी ही मिलेगी और साथ के साथ आप अपनी बेटी के भविष्य को भी सिक्योर कर सकते हैं। सो गाइस आज की जो वीडियो है हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। और गाइज आज 2022 है यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड आज हमारी पूरी की पूरी वीडियो बनने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। मैं PPT के माध्यम से आपको सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, कैसे ओपन करते हैं, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको एक नॉर्मली अमाउंट पे कितना अमाउंट जो है वो आपकी बेटी के लिए 21 साल की मैच्योरिटी पे मिल सकता है। सो गाइज आइए पूरी वीडियो देखिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। चलिए स्टार्ट गाइज स्टार्ट करते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया आज हम डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY। देखिए गाइज अगर आपके किसी भी परिवार में बच्ची एक दिन से लेके और 10 साल तक की बच्ची है तो उसके लिए सरकार द्वारा लॉन्च की गई सुकन्या समृद्धि योजना में आप पैसा लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं राहुल सिंह सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए और आप भी इस इन्वेस्टमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके। सबसे पहला व्हाट इज सुकन्या समृद्धि योजना, हु इज एलिजिबल फॉर सुकन्या समृद्धि योजना, हाउ टू ओपन सुकन्या समृद्धि योजना, राइट, और इसमें विड्रॉ या क्या कहते हैं क्लोज करने का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स, ठीक है, डीमेरिट्स, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे इसमें बनते हैं और इन्हीं के बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज SSY सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट से रिलेटेड हम कुछ बातें करते हैं और इसे पढ़ने के बाद ना कुछ इंटरव्यू से क्वेश्चन रिलेटेड जो है आपके वो भी तैयार हो जाएंगे। देखिए सुकन्या समृद्धि योजना की स्कीम को एक बच्ची के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा यह शुरू किया गया था और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए अभी नॉर्मली अगर हम बात करें तो जब यह स्टार्ट हुआ था सुकन्या समृद्धि योजना जिसे 2015 में स्टार्ट किया था गाइज अभी इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो घट गया है। एक्चुअली ये स्कीम क्या है इसमें टाइम टू टाइम समय के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट घट भी सकता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है। 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट जो है वो आपको मिलता है इसमें और इसमें बेनिफिट सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इस अकाउंट को ट्रांसफर भी करा सकते हैं। चलिए अगली इस पे बात करते हैं। इस योजना में किए जाने वाले निवेश का इस्तेमाल लड़की की शादी लड़की की पढ़ाई के लिए किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज SSY अकाउंट बैंक और पोस्ट ऑफिस में बहुत ईजी वे में खोला जा सकता है। इस योजना में किए गए इन्वेस्टमेंट पर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। चलिए तो देखिए कितनी अच्छी बात है श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के तहत ये शुरू किया। इसे बेटी की पढ़ाई बेटी की शादी के लिए यूज किया जा सकता है। किसी भी बैंक में किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके आप इसको ओपन कर सकते हैं और साथ के साथ सरकार की गई इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए तक का सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स का बेनिफिट भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट और इसके बारे में देखिए गाइस हम बात करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना का इंटरेस्ट रेट 8.4% से घटाकर 7.6% कर दिया और यह वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि दर से बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए पहला 1 लाख, 1 लाख पे 5%, 1,05,000 हो गया, देन उसके बाद अगली बार जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 1,05,000 में मिलेगा। देखिए गाइस इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है, ये स्कीम ही ऐसी है कि इसमें करंटली बिहाव पर सिचुएशन को देख के इंटरेस्ट दिया जाता है, राइट। कल को हो सकता है यह 9% हो जाए 10% भी हो जाए।
योजना की समय अवधि पूरी होने के बाद या लड़की के एक गैर निवासी भारतीय यानी एनआरआई या एक गैर नागरिक बनने के बाद इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, इस बात का ध्यान रखेगा। लेकिन ऐसा बहुत रेयरली केस में होता है, मोस्टली होता भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट सरकार तय करती है, जिसे हर 3 महीने पर तय किया जाता है। व्हाट इट गाइस, जो मैंने आपको बताया। अब यहां देखिए, इस चार्ट के अकॉर्डिंग समझते हैं कि 2014-15 के इसमें बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9% के करीब करीब हमारा इंटरेस्ट था, और उसके बाद देखिए कंटिन्यू जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हल्का सा जो है वो रिड्यूस होता चला गया 2020-21-22 में। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया, इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए अकाउंट का संचालन यानी कि अकाउंट को कौन जो है चलाएगा, अभिभावक या माता पिता। लड़की के 10 साल होने तक अकाउंट संचालन कर सकते हैं, यानी कि एक दिन से लेके और 10 साल के बीच अगर यदि आपकी लड़की है बेटी है तो उसका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि 18 साल होने के बाद लड़की को ही अकाउंट का संचालन करना होगा। अकाउंट में किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, एक किसी भी पूरे साल में अकाउंट में कम से कम 500 रुपए और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जा सकता है, राइट। दूसरी बात बताऊं, अब 500 रुपए को भी ना गाइज और थोड़ा सा कम कर दिया गया, 250 रुपीज कर दिया गया है, ठीक है। योजना की समय अवधि, हाँ ये चीज समझिए, इसमें किए जाने वाला डिपोजिट या इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए करना होगा, लेकिन यह योजना 21 साल बाद मैच्योर होती है। गॉट इट, इसका ध्यान रखना है आपको। और जितना पैसा आप जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट और इंटरेस्ट के साथ वह पैसा वापस कर दिया जाएगा। अकाउंट का ट्रांसफर, तो देखिए गाइस बहुत इजी वे में इस अकाउंट को किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है, और इसमें ट्रांसफर करने का कोई चार्ज भी नहीं लगता, सबसे अच्छी बात, राइट। चलिए, डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट करने का तरीका तो मैंने आपको बताया है, अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर, डीडी के थ्रू, चेक के थ्रू, कैश के माध्यम से इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो देखिए गाइस कितनी अच्छी सरकार द्वारा बनाई गई ये योजना है। अगली बात करें सुकन्या समृद्धि योजना के योग्यता संबंधित मानदंड निम्नलिखित है, क्या क्या है देखिए। माता पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बच्ची के 10 साल होने से पहले उसकी तरफ से एक SSY अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बच्ची एक क्या होनी चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होनी, यानी भारत की निवासी होनी चाहिए। एक परिवार में 2 लड़कियों के लिए अधिक से अधिक 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं। और तीसरा SSY अकाउंट जुड़वा लड़कियों के मामले में खोला जा सकता है, राइट। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे SSY अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की। तो देखिए अकाउंट ओपन करने के लिए गाइज मैंने यहाँ पर आपको ये कुछ पॉइंट्स बताए हैं, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, और यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा यदि कोई और डॉक्यूमेंट भी उससे रिलेटेड मांगा जाएगा तो वह आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। गॉट इट, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड आपका आ गया, एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ में भी आ गया, और अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका है तो वो भी आप लगा सकते हैं। गॉट इट। इसके बाद यहाँ पे बात करें हाउ टू ओपन अ सुकन्या समृद्धि योजना, तो गाइज देखिए विजिट द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द बैंक और पोस्ट ऑफिस एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आप किसी भी अपने एरिए के नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, और वहां पे संबंधित अकाउंट से रिलेटेड अपना फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप वंस यू हैव फिल्ड इन द फॉर्म सबमिट इट अलॉन्ग विथ ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, पे द फर्स्ट डिपॉजिट अमाउंट विच कैन रेंज बिटवीन 250 रुपीज टू 1 लाख। द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट विल बी वेरीफाइड बाय द बैंक, और आपका करेक्ट रहेगा और आपका SSY अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसी भी अपने एरिया के नियरेस्ट ब्रांच में जा सकते हैं, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, और वहाँ से हम उनसे आवेदन कर सकते हैं कि भाई हमें सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करना है। तो नॉर्मली उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, 250 रुपए से लेकर मिनिमम और 1 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं और आपका अकाउंट खोल दिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट चेक करके। देखिए गाइज इसके बाद बात करें तो देखिए गाइज ये बैंक हैं जहां पर आप जाके सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये देखिए मैक्सिमम आपके पास इतने सारे बैंक हैं, है ना। चलिए इसके बाद देखिए गाइज ये इस तरह की आपको पासबुक मिलती है,
डाकघर से अगर आप पासबुक लेते हैं तो इस तरह की आपकी पासबुक मिलती है। आपका पासबुक पे सारी की सारी डिटेल होती है जो कि आपने सबमिट अकाउंट ओपन सबमिट करते समय डॉक्यूमेंट दिए थे उसी के रिगार्डिंग, कौन सी ब्रांच है, कहाँ पर है, क्या क्या आपने किस किस समय पर डिपॉजिट किया है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम अब डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड, हाउ टू पे SSY ऑनलाइन। सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड आप कैसे इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी IPBP ऐप अपने मोबाइल में और ट्रांसफर मनी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, राइट। लॉग इन करिए सुकन्या समृद्धि योजना, उससे रिलेटेड कस्टमर नंबर, कस्टमर ID एंड देन उसके बाद और बहुत इजी वे में क्या कर सकते हैं अपना सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड पेमेंट जो भी आपको करनी है, जिस इंस्टॉलमेंट में आपने पेमेंट ले रखी है आप उसमें पे कर सकते हैं। देखिए गाइज, आई होप गाइज आपको सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज भी मिल गई और सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से समझ में आई। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सरकार की यह स्कीम मेरे अकॉर्डिंग बहुत 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 अच्छी है और लड़कियों के लिए खासतौर पर बहुत 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 अच्छी है। ना तो ज्यादा क्या कहते हैं सोचना पड़ता है ना समझना पड़ता है, एक छोटी सी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके 21 साल की मैच्योरिटी में सरकार आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी इसमें प्रोवाइड करती है। दोस्तों थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।